बॉलीवुड दीवा एंड फैशन आइकॉन दीपिका पादुकोण बन गई हैं द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल लग्जरी ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर। लुई विटॉन ब्रांड ने दीपिका पादुकोण को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अपॉइंट किया है, जिसके जरिए वो 168 ईयर ओल्ड एंड वर्ल्ड्स मोस्ट लग्जूरियस ब्रांड का पहला इंडियन फेस बनेंगी। दीपिका लुई विटॉन के एक नए कैंपेन डॉफिन लेदर गुड्स को प्रमोट करती नजर आएंगी। उनके साथ ऑस्कर विनर एमा स्टोन और चाइनीज एक्ट्रेस जो डोंगयू भी साथ में इस कैंपेन को रिप्रेजेंट करने वाली हैं। मदर्स डे के ओकेजन पर ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर अपनी डॉटर की फोटो शेयर की और साथ में एक प्यारा सा नोट भी शेयर किया, जिसमें प्रियंका ने बताया कि कैसे बेटी के जन्म के बाद उनकी लाइफ एक रोलर कोस्टर के जैसी हो गई थी और बेबी को मोर देन 100 डेज NICU में रखना पड़ा था। नाउ व्हेन द बेबी इज बैक, शी शेयर्स हर पिक्चर विद अ हार्टफेल्ट नोट। लाइफ ऑफ पाई में यंग इरफान खान की भूमिका निभाने वाले सूरज कुमार एक बॉलीवुड फिल्म में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की कास्ट शानदार कलाकारों से भरी पड़ी है। फिल्म का टाइटल है गुलमोहर और फिल्म में यस्टरडेयर एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर, अनिल कपूर, अमोल पालेकर और मनोज बाजपेयी जैसे उम्दा कलाकारों ने काम किया है। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर शादी के बाद ब्रेक लेने के बजाय अपने स्केड्यूल्ड काम पर बिजी हैं। आलिया भट्ट हाल ही में दोहा ज्वेलरी एंड वॉचेस एग्जीबिशन के रॉयल इनॉग्रेशन इवेंट में नजर आई, जो कि कतर कैलेंडर्स की तरफ से ऑर्गेनाइज था। वहीं रणबीर कपूर भी ऑल स्टार्स फुटबॉल क्लब के मैच के लिए दुबई में ये लीग खेल रहे हैं, जो कि चैरिटेबल कॉज के लिए हर साल खेला जाता है। इस लीग में रणबीर कपूर के अलावा कैप्टन अभिषेक बच्चन, डीनो मौर्या, टाइगर श्रॉफ, कार्तिक आर्यन, अर्जुन कपूर, ईशान खट्टर, इब्राहिम अली खान और वरुण धवन भी टीम का हिस्सा है।